हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेलर के चार प्रिंसिपल्स बताए थे। आज हम टेलर के जो टेक्निक्स हैं वो देखने वाले हैं। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टोटल टेक्निक्स 7 हैं। नाम जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो ये सारी स्टडी इंपॉर्टेंट हैं, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये हैं आपके FW टेलर। तो सबसे पहले आती है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप को सबसे पहले हम एक फोटो के थ्रू समझते हैं, जो आपके पास बुक्स में डायग्राम भी दिया हुआ है। ये सेम डायग्राम NCERT से लिया हुआ है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या करती है, वो जैसे आपने प्रिंसिपल पढ़ा है डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक काम को दो में, पांच में, दस में, बीस में, वो नहीं बताया। लेकिन फंक्शनल फॉर्मेनशिप आपको बताती है कि आपको कोई भी काम अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो आपको काम 8 लोगों में तोड़ देना है। वो 8 लोग कौन है? सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 व्यक्ति आते हैं, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 व्यक्ति आते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये सारे ही 8 व्यक्ति वर्कर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके काम के रिगार्ड में। तो हम इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। टेलर हैज प्रोसेस फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक फॉर सुपरवाइजिंग वर्कर्स। वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए टेलर ने ये आपकी स्टडी बनाई है। फंक्शन फॉर्मेनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फंक्शन फॉर्मेनशिप डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क तो आपको कहता है काम को बांटना है, लेकिन उसने कितने लोगों में बांटा ये नहीं बताया, लेकिन डिवीजन फंक्शन फॉर्मेनशिप आपको बताएगी कि काम को कितने लोगों में बांटना है। एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर लेवल, जिससे आप शॉप फ्लोर लेवल पे आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सके। फंक्शन फॉर्मेनशिप इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व सुपरविजन ऑफ ईच वर्कर बाय 8 सुपरविजन। एक वर्कर को 8 सुपरवाइजर उसे गाइड करते हैं, उसे सुपरवाइज करते हैं, उसके काम को ओवरव्यू करते हैं दूर से। अब बात करते हैं कि ये 8 व्यक्ति जो मैंने आपको बताया इनका क्या काम है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर रूट क्लर्क आता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, NCERT में नहीं मिलेगा। NCERT में सिर्फ इनके बारे में डिटेल में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अलग से किसी अदर बुक से लिया हुआ है। रूट क्लर्क डिटरमाइन करता है रूट थ्रू विच द मटेरियल वाज पास। रूट क्लर्क आपको बताएगा वर्कर को कि किस रूट से आपका मटेरियल पास होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ वर्क शुड परफॉर्म देयर जॉब। इंस्ट्रक्शन क्लर्क बताएगा कि वर्कर को अपना काम को, अपनी जॉब को कैसे परफॉर्म करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा सेटिंग टाइम टेबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंशियल ऑपरेशन ऑफ जॉब एंड स्पेसिफाई मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट फॉर ईच ऑपरेशन। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए और कितने रुपए की कॉस्ट, कितनी कॉस्ट खर्च होनी चाहिए। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टाइम और कॉस्ट लगती है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बताएगा कि ये काम करने में टाइम और कॉस्ट कितना खर्च होता है। डिसिप्लिनरी बताएगा मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द वर्कशॉप एंड ऑफरिंग इमीडिएट सॉल्यूशन टू क्लैशेस। वो क्या करेगा, अपना आपको सॉल्यूशन बताएगा, बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फिर 4 व्यक्ति आते हैं। सबसे पहले आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, ये जो काम होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन की स्पीड को मेंटेन रखता है। मतलब अगर हम कहें कि 1 घंटे में 100 प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहे हैं, तो ये उस स्पीड को मेंटेन रखता है कि 100 से कम ना हो या 100 से ज़्यादा ना हो। जो भी स्पीड मेंटेन हो सकती है प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन की स्पीड को ये मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नाम से कुछ इसका आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या करता है। गैंग बॉस ऐसा लगता है जैसे कोई गैंग चलाता हो। नहीं, गैंग बॉस का काम है मशीन्स मटेरियल को अवेलेबल कराना, अरेंजिंग मशीन्स टूल्स मटेरियल एक्सेट्रा रिक्वायर फॉर परफॉर्मिंग जॉब। उस काम को करने के लिए जो भी मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, उस काम को करने के लिए उस चीज़ को अवेलेबल कराता है गैंग बॉस। गैंग बॉस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर कई बार एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज मीन बाय गैंग बॉस। ठीक, नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है, जो आपके पास मशीन्स होती हैं उन्हें अप टू डेट रखता है कि वो अगर उनके कोई मेंटेनेंस चाहिए तो उन्हें मेंटेनेंस करवाता है, उन्हें रेडी रखता है कि बिजनेस में जो वर्किंग है वो स्मूथ चलती रहे। लास्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, जो भी आपका मटेरियल बनके तैयार हो उस मटेरियल की वो इंस्पेक्शन करता है। कोई भी रैंडमली सामान उठा के देखेगा, चेक करेगा कि वो जो हमने क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, स्टैंडर्ड है, उसके आपसे प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा।
मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब, जो भी आपने स्टैंडर्ड बना रखा है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो मटेरियल की क्वालिटी चेक करता है, अगर वो सही है तो उसे पास कर देता है, नहीं तो वो उसे बाहर निकाल देता है। ये है आपकी फंक्शन फॉर्मेशन की पूरी टेक्निक, एग्जाम में आ जाती है कभी कभार ये। नेक्स्ट टेक्निक है टेलर की, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। स्टैंडर्डाइज सिंप्लीफिकेशन वर्क कहता है, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, ये कहता है कि आपको हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो सके और आपका वर्क अच्छा हो सके। एंड सिंप्लीफाई द पॉसिबल टू एलिमिनेट अननेसेसरी, और काम को करने के सिंपल तरीके ढूंढना और जो बेकार के अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं या डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट है उन्हें रिमूव करना, एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, उन बेकार के जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो बिजनेस के अंदर वो रिमूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के जो बताए ऊपर लिखे हुए, एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट रिजल्टिंग कॉस्ट सेविंग, जो आप बेकार के प्रोडक्ट या आप बना रहे हो लेकिन वो उतने उनकी सेल इतनी नहीं है तो उन्हें आपको एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, जिससे आपकी कॉस्ट सेविंग हो सके। जैसे आपको एक कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, जब वो सामान बनाती है तो वो उस प्रोडक्ट के वेराइटीज ऑफ काफ़ी वेराइटी निकाल लेती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे आपने पल्स टॉफी सबने खाई होगी, तो पल्स टॉफी के सबसे पहले कच्चा आम फ्लेवर आया था, अब उन्होंने और क्या कर दिया, उसमें लीची निकाल दिया, ऑरेंज निकाल दिया, मैंगो निकाल दिया, लेकिन डिमांड आज भी जो कच्चा आम वाली प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा डिमांड है, बाकी की भी बिकती है लेकिन उतनी नहीं बिकती। तो एक कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट के काफ़ी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल देती है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट की उतनी डिमांड हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या करता है, जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन उनकी सेल नहीं है उन प्रोडक्ट को आप एलिमिनेट करते हो, जिससे आपकी उस बनाने में जो कॉस्ट खर्च हो रही है वो बच सके। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एंड प्रोडक्ट, ऐसे इस्टेब्लिश करना जिससे आप मशीन्स के प्रोडक्ट को या पार्ट को आप एक दूसरे मशीन्स में इंटरचेंज कर सकें। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ मैन एंड मशीन सो एज टू डिटरमाइन फेयर डे वर्क। इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड पर वर्क के मशीन का और मैन की परफॉर्मेंस का, जिससे उनकी फेयर डे वर्क का उन्हें उनकी तनख्वाह तय करी जा सके, या अगर मैन की बात करी है मशीन की बात करी है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि एक मशीन एक दिन में कितना काम कर रही है, या किस दिन कम तो नहीं किया, किस दिन ज़्यादा तो नहीं किया, और ये तरीका मशीन के मैन के ऊपर भी लगता है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना कि आज अगर कोई फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता है और वो 10 प्रोडक्ट बना के तैयार करता है तो वो एक स्टैंडर्ड है, उसे सेट करना कि 10 से कम बनाए तो वो इनफिशियंट है और अगर वो 10 से ऊपर बनाए तो वो एक एफिशियंट वर्कर है, उसे एक स्टैंडर्ड सेट करना इस तरीके से मशीन्स और मैन के लिए। नेक्स्ट आता है एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। आपके मटेरियल की क्वालिटी के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू मार्क इस लेवल तक होनी चाहिए, अगर वो उससे कम है तो उस बिग प्रोडक्ट को रिमूव कर देना, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट बेकार बन जाए और लोगों तक पहुंच जाए तो लोगों में उसका बहुत बेकार नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं, पहले सेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट का एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, इस लेवल तक हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, अ ग्लोबल FMCG कंपनी रिड्यूस इट डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम 500 टू 86, कंटिन्यूइंग ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड इफेक्टिव रिजल्ट। बहुत सारी जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो बिस्किट नमकीन या अलग अलग कंपनी FMCG कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं काफ़ी लार्ज वेराइटीज में, तो एक कंपनी है, नाम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करती थी, वो अपने प्रोडक्ट की जो वैरायटी थी वो 500 प्रोडक्ट बनाते थे। सपोज करो अगर वो कुछ सामान बना रहे तो उस प्रोडक्ट की वैरायटी 500 लेवल तक थी, तो अब उन्होंने क्या किया, हर प्रोडक्ट को बनाने में उनके ज़्यादा कॉस्ट खर्च हो रही थी, तो उन्होंने चीज़ को अंडरस्टैंड किया, जहाँ वो 500 प्रोडक्ट बना रहे थे उन्होंने 500 की जगह सिर्फ 86 प्रोडक्ट बनाए जिनकी सेल ज़्यादा थी, उससे क्या हुआ, जो उन्होंने प्रोडक्ट की रिमूव किया उनसे उनकी कॉस्ट सेविंग हुई और मेन फोकस वो अपनी उन 86 प्रोडक्ट के ऊपर ही दे पाए, जिससे कंपनी की कॉस्ट बची और उनके प्रॉफिट इंक्रीज हुए। नेक्स्ट टेक्निक मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। मेथड स्टडी का सिर्फ एक ही काम है, जो भी कुछ काम करना है उस काम को करने का जो बेस्ट तरीका है उस तरीके को ढूंढना, और कोई नहीं, और कुछ काम नहीं है मेथड स्टडी का। देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, एक काम को करने काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन काफ़ी सारे तरीकों में से एक ही का तरीका होगा जो उस काम को बेस्ट तरीके से कर सकता है और उसी को आपको फाइंड करना है, मेथड स्टडी ये कहते हैं। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देर आर सेवरल पैरामीटर्स, अब उस
तरीके को ढूंढने के लिए काफी सारे पैरामीटर्स हैं, राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो कैसे पता लगेगा, हर एक काम को करने के काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो अगर आप इनिशियल स्टेप से लेके एंड स्टेप तक हर एक काम को बेस्ट तरीके से करो तो वही है आपकी मेथड स्टडी। जब आप कोई सामान को कामों करते हो तो आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, लेके आते हो, तो रॉ मटेरियल भी आपको बेस्ट लेके आना, टिल द फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर टू द कस्टमर। एवरी एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ मेथड स्टडी। हर एक एक्टिविटी के अंदर मेथड स्टडी आती है कि जो भी उस काम को करने के लिए बेस्ट मेथड है उस बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है, उससे आपका काम बेस्ट ही होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। इस सारी एक्सरसाइज का, मेथड स्टडी का एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके, आपकी क्वांटिटी और आपकी क्वालिटी बेटर हो सके। मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर। आपकी क्वालिटी बढ़िया हो सके और आपके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बेस्ट मिल सके। एक फोटो के थ्रू, जैसे आपको पता ही है, ये बचपन में आपने गेम खेला होगा कि यहाँ पे आपको रास्ता ढूंढना है, तो अब आपके पास यहाँ तक जाने के लिए काफी सारे रास्ते हैं, लेकिन इन सब में से एक ही बेस्ट रास्ता है, ठीक है जी। तो उस बेस्ट रास्ते को ढूंढना ही मेथड स्टडी है। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है मेरा, जिससे आपको बेस्ट चीज को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। कि जैसे आपकी रेड और ग्रीन है, तो अब आपको इस ब्लू तक पहुंचना है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे रास्ते दिख रहे होंगे, लेकिन इनमें से बेस्ट तरीका एक ही होगा जो आपको बहुत जल्दी पहुंचा देगा और आपके काम को बहुत ईजी कर देगा, तो वही आपको तरीका ढूंढना है, मेथड स्टडी ये कहती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ टेक्सटाइल कंपनी देयर कैन बी लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव टेक्निक। एक अगर मैं टेक्सटाइल कंपनी की बात करूं, उनके पास वो काम लेबर से भी करवा सकते हैं या मशीन से भी करवा सकते हैं। टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टेक्निक, अब पता लगाने के लिए कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए लेबर इंटेंसिव अच्छी है या मशीन इंटेंसिव है। टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टेक्निक, मैनेजमेंट मस्ट स्टडी विच टेक्निक इन्वॉल्व द मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पता लगाने की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में कम होगी और हमारे रिसोर्सेज बेस्ट किस तरीके से यूज हो सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मशीन हो। नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको तीन तरह के मोशन होते हैं। एक तो बेकार के मोशन, एक होते हैं जो आपको कुछ बेनिफिट देते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मोशन, जो उस काम को करने के लिए जरूरी है। तो जो आपके बेकार के मोशन है, अननेसेसरी मोशन है, मूवमेंट्स है, उन्हें रिमूव करना, मोशन स्टडी सिर्फ इतना ही कहती है। कोई भी आप काम करते हो, आप पढ़ते हो, खाना खाते हो, कोई वर्क करते हो, कुछ गेम खेलते हो, उन सारे चीज़ों में आपके मोशंस होते हैं। कुछ तो होते हैं अफेक्टिव, कोई से इनफेक्टिव, और कौन होते हैं जो आपको काम करने के लिए नेसेसरी हैं। तो जो अननेसेसरी अनअफेक्टिव मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उन्हें आपको रिमूव करना है, मोशन स्टडी सिर्फ इतना ही कहती है। जैसे इसके ऊपर मैं एक केस स्टडी समझा सकता हूँ, कि एक केस स्टडी बुक की है, एग्जाम्पल है एक तरह से। जैसे मैं कहता हूँ कि एक स्कूल में एक टीचर को अपॉइंट किया गया कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, और उन्हें 6 से 7 लेक्चर लेने पड़ते हैं टीचर्स को। तो अब उस स्कूल में टीचर्स की, सपोज करो जो बिल्डिंग है वो 4 लेवल की है, लेवल 1 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, ठीक है जी, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 4 लेवल की है। तो सपोज करो उन टीचर्स की जो वो है, उनकी पहली क्लास ग्राउंड फ्लोर पर होती है, उनका सेकंड पीरियड फोर्थ फ्लोर पे होता है, उनका थर्ड लेक्चर थर्ड फ्लोर पे होता है, और फोर्थ लेक्चर ऐसा उनके सेकंड उस पे होता है, सेकंड फ्लोर पे। ऐसे ही वो पूरे दिन में ऊपर नीचे जाते रहते हैं। अब जब स्कूल, जब टीचर अपनी क्लास में एंटर करता है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के बार बार थक जाता है, और वो क्लास में 2 मिनट आके पहले अपना पानी पिएगा और थोड़ा रेस्ट करेगा। इस वजह से बच्चों को बड़ी परेशानी हुई, और बच्चों ने टीचर की कंप्लेन कर दी कि सर, प्रिंसिपल को, कि सर हमारे क्लास में सर एक तो लेट आते हैं 2-4-5 मिनट, और आके पहले रेस्ट करते हैं और फिर पानी पीते हैं। अब प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया और पूछा कि सर बच्चों ने आपके लिए कंप्लेन करी ऐसे ऐसे कि आप, उन्होंने कहा सर बात तो सही कही है बच्चों ने, उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम, क्या आप लेट क्यों आते हो और फिर आके पानी पीते हो 2-4 मिनट, उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करते हो, 35 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें से आप 7-8 मिनट तो ऐसे ही खराब हो जाती है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम आपको कम मिलता है। तो उसने कहा सर इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जो मेरे लेक्चर्स लगे हुए हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे, तो मुझे बार बार भागना पड़ता है, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, और मैं हूँ तो इंसान ही, तो थक तो जाऊँगा ही, आऊँगा क्लास में 2 मिनट रेस्ट करूँगा, तो उसी के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि यार ये जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, वो भी गलत नहीं कह रहा। तो अब उन्होंने कहा कि हमने टीचर को स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला रखा है, ना कि उसे ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़वाने के लिए बुला रखा है। तो उन्होंने कहा इसका रास्ता क्या है, एक काम करते हैं, हम स्कूल में लिफ्ट लगा देते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा, टीचर को बार बार भागना नहीं पड़ेगा, और वो लिफ्ट में ऊपर ही जा सकता है।
या अब आपने या इसका एक और तरीका निकाला जा सकता है, हो सकता है स्कूल का इतना बजट ना हो कि लिफ्ट लगाई जा सकती है, तो हो सकता है उस टीचर की क्लास हार्डली ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ही सेट कर दी जाए, जिससे उसे ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ना ना पड़े। ठीक है, कि पहले फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ रहा है, फिर फोर्थ पे जा रहा है, फिर थर्ड पे आ रहा है, फिर फर्स्ट पे जा रहा है, पूरे दिन ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ रहा है। तो ऐसे कोई भी होता है काम करने के लिए जो बेकार के मोशन है उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, कहते हैं मोशन स्टडी रेफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट, लिफ्टिंग, आप कोई भी सामान उठाते हो, रखते हो, ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा, विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब, जो आपको काम करने के लिए जरूरी है। अननेसेसरी मूवमेंट आर शॉर्ट टू बी लिमिटेड, जो आपको जो बेकार के मूवमेंट है उसे रिमूव करना है, सो दैट इट कैन टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे आप कोई घर बनता हुआ देखते हैं तो उसमें जो एक मजदूर होता है वो सीट जो ईटे होते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं, वो ब्रिक्स को ऊपर ले जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो वो क्या करे अपने सिर पे रखे उन ईटों को और स्टेयर्स से ऊपर चला जाए, उसमें उसे बार बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा स्टेयर्स को और फिर नीचे आना पड़ेगा, उसमें थक जाता है। या दूसरा तरीका आप देखते हैं बहुत बार क्या करता है, एक लेबर नीचे खड़ा रहता है, एक ऊपर, वो उठा उठा के ईटे फेंकता रहता है, उससे क्या होता है ना तो उसे बार बार चलना पड़ता और सारी ईटे भी ऊपर पहुंच जाती हैं, सिर्फ दो वर्कर काम करते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है जी, तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं कामों करने के जिसमें आपको बेकार के मोशंस भी होते हैं, तो उन बस बेकार के मोशंस को आपको रिमूव करना है। वो आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई भी क्यों ना करते हो, आप भी अपने लाइफ में देखते होंगे कि बहुत सारे मोशंस ऐसे होते हैं जो आप काम करते हो वो बेकार के होते हैं, अगर आप उन्हें रिमूव कर दो तो आपका काम और बेटर वे में हो सकता है। पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलर ने इस काम को एक्चुअल में लगाया भी था, ये ब्रिक लाइन वाला एग्जाम्पल बुक का ही है। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक लिप्लन वॉज एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लाइंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5, मतलब जो एक, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो जो एक लेबर को ब्रिक ऊपर ले जाने के लिए 18 कदम चलना पड़ता था, वही उस काम को करने के लिए अब वो 18 की जगह 5 कदम चलता है लेबर और उसका काम हो जाता है। तो उसकी एफिशिएंसी कितने गुना बढ़ गई, मोटा मोटा 4 गुना बढ़ गई। पहले उसे 18 कदम चलना पड़ता तब जाके एक एक ईंट ऊपर पहुंचती थी, एक ब्रिक ऊपर पहुंचती थी, अब वो 5 कदम चलेगा तो उसकी एक ईंट ऊपर पहुंच जाएगी, और 5 3 15 या एक और मान लो 18 कदम, तो उसकी मोटा मोटा कम से कम 4 ईंटें ऊपर पहुंच जाएगा वो 20 कदम में। तो जहां पहले 18 कदम चलने पे उसकी एक ईंट ऊपर पहुंचती थी लेबर की, अब वो सिर्फ 20 कदम चलेगा तो उसकी 4 ईंटें पहुंच जाएंगी, एफिशिएंसी मोटा मोटा 4 गुना बढ़ गई है। टेलर का मानना यह था किसी भी काम को, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप साइंटिफिकली मैनेज करोगे तो वो काम बेस्ट हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी ईंटें पहुंचाना हो, चाहे वो एक लेबर से रिलेटेड काम हो, चाहे वो आपकी किसी पढ़ाई से रिलेटेड काम हो, वो उसके लिए कहता था। कहते हैं ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट, अगर आप अपनी बॉडी को क्लोज मोशन से मतलब ध्यान से देखो तो उसमें आपको बहुत सारे मोशन दिखते हैं, मोशन विच आर प्रोडक्टिव, जो एक तो मोशन होता है जो आपको कुछ बेनिफिट देते हैं जो प्रोडक्टिव है, मोशन विच आर इंसिडेंटल, जो मोशन काम को करने के लिए जरूरी है, उसके बगैर काम हो नहीं सकता लेकिन उसकी वजह से आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, एग्जाम्पल गोइंग ऑन स्टोर्स। कहते हैं मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव, और जो बेकार है मोशन जो अनप्रोडक्टिव, बस आपको क्या करना है अनप्रोडक्टिव मोशन को रिमूव करना है और कुछ नहीं है। टेलर यूज स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल, टेलर क्या करता था स्टॉप वॉच यूज करता था, अलग अलग सिंबल यूज करता था, कलर यूज करता था डिफरेंट मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। थ्रू मोशन स्टडी टेलर वॉज एबल टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, और इन स्टडीज की वजह से टेलर ने काफी सुटेबल इक्विपमेंट्स भी टूल्स भी बनाए हैं अपने वर्कर को एजुकेट करने के लिए, जिससे उन्हें यूज करें, और एक्चुअल मानना जो उसके रिजल्ट थे वो रिमार्केबल थे, मतलब टेलर ने इन स्टडीज को यूज करके अपनी फैक्ट्री में जो काम करते वर्कर उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाया, दिस रिजल्ट अचीव बाय हिम वर ट्रूली रिमार्केबल, ये एक्चुअल में उसने काम किए, ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में लिखा हुआ, ये उसने एक्चुअल में काम यूज किए हैं। आप कभी भी किसी भी चीज को आप कभी कभी घर बनता हुआ देखना, वहां भी एक वर्कर भी अपने काम को बहुत तरीके से मैनेज कर लेता है, जो काम वो करने में टाइम लगता है तो वो उस काम को मैनेज कर लेता है। जैसे आप देखते हो कभी कोई मजदूर होता है या कोई भी, अगर कोई जो जो सीमेंट वीमेंट इकट्ठे उठाता है ना, तो वो भी उस काम को एक तरीके से उठाता है, ये नहीं कि बस हाथों से उठाया और उसने ऐसे रख देगा, वो क्या करता है उस सीमेंट इकट्ठे को या कोई भी बोरी होती है वो उसे अपने पहले पीठ पर रखता है, और पीठ पर रखने के साथ उसे आगे तक लेके जाता है, यानी कि उसे हाथों में लेके जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, और जो बेकार के मोशन है वो रिमूव करता है। किसी भी काम को देख लेना, उसमें आपके मोशंस होते हैं जो बेकार के, उन्हें रिमूव करना है बस, और कुछ काम नहीं है मोशन स्टडीज का। नेक्स्ट आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहती है इट डिटरमाइन द एक्सटेंट टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टाइम स्टडी कहती है कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक प्री डिटरमाइंड टाइम होना चाहिए जिसमें उस काम को अंतर होना ही चाहिए। जैसे
आप स्कूल में देखते हो जब आपका एग्जाम होता है तो स्कूल में आपको पता है कि एग्जाम 2 घंटे का होना है या 3 घंटे का होना है। अगर 50 नंबर का है तो आपको 2 घंटे का होता है, अगर 80 या 100 मार्क्स का है तो वो 3 घंटे का होता है। ये नहीं है कि स्कूल में आप गए पेपर दे दिया क्या जब मन करे उठ के चले जाना जब आपका पेपर हो जाए, क्योंकि पता है कि हर एक काम को करने के लिए एक फिक्स टाइम होता है। जब मैं भी आपके टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में आपको एक निर्धारित समय देता हूँ कि इसी समय के अंदर ये काम होना चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जा सके। इट डिटरमाइन द स्टैंड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। हर एक काम में करने के लिए कोई जॉब होता है। आपको कोई क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है, कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है वो हार्डली 20 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो हर एक काम को करने के लिए एक निर्धारित समय होता है, वही आपको टाइम पता लगाना है कि इस काम को करने के लिए कितना समय लगता है और फिर आपको वर्कर को उस हिसाब से काम देना है जिससे आप पता लगा सको कि वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है। अगर सपोज करो कि आप कहते हो कि एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक, और 1 घंटे का सपोज करो वो ब्रेक ले लेता है तो 7 घंटे काम करता है, और वो सपोज करो एक वर्कर को 1 घंटे में वो कार्ड बॉक्स के बॉक्स बनाता है। सपोज करो कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक वर्कर आपके फैक्ट्री में कार्ड बॉक्स के बॉक्स बनाता है जो गत्ते के बॉक्स बनते हैं, और वो 20 मिनट में एक बॉक्स बना देता है। अगर 20 मिनट में एक बना रहा है तो 1 घंटे में 3 बन जाएंगे, ठीक, और 8 घंटों की शिफ्ट होती है, 1 घंटा ब्रेक मान लेते हैं, तो वो मोटा मोटा 7 घंटे काम करता है। 1 घंटे में 3 बनाता है तो 7 घंटे में कितने बना देगा, 21 बॉक्स बना देगा। तो वो उस काम को करने का निर्धारित समय है कि एक वर्कर अगर फैक्ट्री के अंदर आता है तो वो 21 बॉक्स बना के जाएगा ही जाएगा, वो एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर वो उस काम को करने में ज्यादा समय लगा रहा है, सपोज करो वर्कर 20 मिनट में ना बॉक्स बना के वो आधे घंटे 1 घंटे 30 मिनट में बॉक्स बना रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बेकार है, वो काम को करने में ज्यादा समय लगा रहा है। तो हर एक काम को करने के लिए टाइम होता है, उस टाइम को पहले मेजर करें और वर्कर को उस हिसाब से काम दिया जाए जिससे आप उन्हें स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। टाइम मेजर डिवाइस आर यूज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। जैसे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट वॉज डिटरमाइंड दैट स्टैंड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट्स। वर्कर को एक बॉक्स बनाने 20 मिनट लगते हैं, सो इन 1 आवर ही विल मेक 3 बॉक्स, 1 घंटे में 3 बॉक्स बना देगा। अज्यूम दैट द वर्कर हैज टू पुट 8 आवर ऑन वर्कर इन अ शिफ्ट एंड रिड्यूसिंग 1 आवर फॉर रेस्ट। 8 घंटे की वर्कर शिफ्ट होती है, 1 घंटा हटा देते हैं कि वो रेस्ट करता है, लंच करता है, खाना वाना खाता है। इट इज डिटरमाइंड दैट इन 7 आवर वर्कर मेक 21 बॉक्स एट दैट 3 बॉक्स पर आवर। 3 बॉक्स घंटे में तो 7 घंटे में 21 बॉक्स बनाएगा। नाउ इट इज द स्टैंड टाइम अ वर्कर हैज टू डू। तो एक स्टैंड टाइम है कि एक वर्कर को एक दिन में अगर वो काम करता है तो उसे 21 बॉक्स बना के जाने, इसी हिसाब से आपकी वेजेस भी डिसाइड करी जा सकती है अकॉर्डिंगली। अगर वो 21 बना के जा रहा है तो उसका मतलब उसने अपने काम को ढंग से किया तो उसकी पूरी तनख्वाह दी जा सकती है, और अगर उसने काम को 21 थोड़ा कम किया तो उसके वेजेस को अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कम भी किया जा सकता है। तो टाइम स्टडी आपको बताती है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, ठीक, यह है टाइम स्टडी। नेक्स्ट स्टडी है फटीग स्टडी। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड। फटीग मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है वो थक तो जाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो। अगर कोई एक एसी रूम में ही बैठ के काम कर रहा है तो वो मेंटली थक जाएगा, और अगर कोई सड़क पे पत्थर भी तोड़ रहा है तो वो फिजिकली थक जाएगा। तो अब उस थकने के बाद वो अपनी एनर्जी को रीगेन कैसे करेगा, उसे हमें क्या करना चाहिए, हमें रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं बच्चे, तो स्कूल में आपको पहले 4 पीरियड पढ़ाया जाता है और फिर आपको एक रिसेस दी जाती है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जिससे आप अपनी वही एनर्जी रीगेन कर सको और बाकी जो आपके 4 पीरियड बचे हैं उन्हें आप दोबारा पढ़ाई कर सको। लेकिन अगर हम आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाते ही जाएं तो आप भी एक दिमाग एक लेवल आएगा कि आपका मेंटल दिमाग थक जाएगा, मेंटल लेवल पर आके आप बिल्कुल थक जाओगे और जो टीचर बोल रहा है सिर्फ सुन रहे हो वो समझ आना बंद हो जाता है। वही है एक फटीग स्टडी। फटीग स्टडी ये बताता है कि आपको व्यक्ति को उस पर्सन को रेस्ट देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि रेस्ट कितना देना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे 5 मिनट 10 मिनट, वो डिपेंड करता है। देखो जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए 15-20 मिनट का रिसेस बहुत रहती है जिसमें आप अपनी एनर्जी कुछ खाना खा लेते हो, फ्रेंड से बात कर लेते हो, पानी वानी पी लेते हो और आपकी एनर्जी रीगेन हो जाती है। लेकिन जब एक हम मजदूर से काम करवाते हैं
तो उसे कोई काम करता है, वो आप देखते हो कि वो थोड़ा बहुत काम करेगा, वो फिर 5-7 मिनट बैठ जाएगा, 2-3 लोगों से बात करेगा और फिर काम करता रहेगा। या अगर वो कुछ हार्डली फिजिकल लेबर कर रहा है, जैसे कोई कट्टे उठाना, ईंट उठाना, तो वो बहुत हार्ड फिजिकल लेबर है, तो उसमें उसे हर थोड़े थोड़े देर बाद हम आपको उसे रेस्ट देना चाहिए। मतलब अगर एक मैं लेबर की बात करूँ, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ के सपोज 5th फ्लोर तक गया और वहां पे कोई सामान रख के आया और फिर नीचे उतरा, तो ऐसा वो बार बार तो कर नहीं सकता। ऊपर जाने में वो थक जाएगा, वो वहां पे 1 मिनट का रेस्ट करता है, फिर नीचे आएगा, वो फिर रेस्ट करता है। तो उस रेस्ट इंटरवल को डिसाइड करवाती है फटीग स्टडी। पहले हमें काम को जानना है कि उस काम को करने में कितनी आपकी मेहनत लग रही है, कितनी आपकी एफर्ट लग रहे हैं, और उस हिसाब से हमें उसका रेस्ट इंटरवल डिसाइड करना चाहिए। हर एक आदमी का रेस्ट इंटरवल सेम नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दिया जा सकता है या आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया जा सकता है। कभी अगर आप देखते हो, जैसे आपके घर में कभी पेंटिंग होती है, पुताई होती है, तो जो यहाँ पे लेबर काम करती है वो क्या करती है, थोड़ा बहुत एक दीवार पे काम करेगा, फिर वो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से बात करेगा, कुछ खाएगा, चाय वाय पिएगा, फिर काम पे लग जाएगा, फिर वो बाहर जाके खाना खाएगा, फिर आएगा, फिर काम करेगा, फिर आपको चाय के ले जाएगा, फिर वो बीड़ी पिएगा। तो वो सारे काम में वो अपना काम भी करता रहता है और थोड़े थोड़े रेस्ट इंटरवल से वो अपनी एनर्जी को रीगेन भी करता रहता है। तो वही है फटीग स्टडी, जो आपको बताती है कि एक व्यक्ति को आपको कितना रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ ही डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। द रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन द कंप्लीटिंग अ टास्क। आपको टाइम, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी बताइए कि हर देर कितनी देर बाद देना चाहिए और कितने देर का देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली इन अ प्लांट वर्क टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर ईच। अगर मैं एक फैक्ट्री की बात करूँ तो फैक्ट्री में आपको 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और हर 8 घंटे बाद वर्कर बदल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 घंटे एक व्यक्ति आया और वो सिर्फ 8 घंटे काम ही कर रहा है। इवन इन अ सिंगल शिफ्ट, एक सिंगल शिफ्ट में भी वर्कर को हम उसे रेस्ट इंटरवल देते हैं। हैज टू गिवन अ सम रेस्ट इंटरवल टू टेक हिज लंच एक्सेट्रा इफ द वर्क इन्वॉल्व हैवी मैनुअल लेबर। लेकिन अगर वो वर्क जो हैवी मैनुअल लेबर है, कुछ भारी सामान उठाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, देन स्मॉल पॉजेज हैज टू बी फ्रीक्वेंटली गिवन। तो उसे छोटे छोटे पॉज भी आपको काम के दौरान देने पड़ते हैं, गिवन टू वर्क सो दैट ही कैन रिचार्ज हिज एनर्जी की लेवल फॉर ऑप्टिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, जिससे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ट दे सके। यही फटीग स्टडी है। लास्ट स्टडी रहती है हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि जो व्यक्ति एफिशिएंट है उसे ज़्यादा पैसे दिए जाएं और जो कम एफिशिएंट है उसे कम पैसे दिए जाएं, जिससे जो व्यक्ति इनएफिशिएंट है वो भी एफिशिएंट को देख के अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी काम को बढ़ा सके, वो मोटिवेट हो सके। जैसे कहते हैं द वर्क कैन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट एंड सॉरी द वर्कर कैन बी क्लास कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। इस स्टैंडर्ड के बेस पे ही हम एक वर्कर को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट कह सकते हैं कि भैया ये अच्छा काम कर रहा है और ये अच्छा काम नहीं कर रहा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, सपोज करो दो व्यक्ति हैं, ए और बी, वो एक फैक्ट्री के अंदर गए। ए ने भी 8 घंटे काम किया और बी ने भी 8 घंटे काम किया। ने पूरी मेहनत से काम किया और उसे दिन में मिले हैं 500 रुपये, और बी ने भी काम किया लेकिन बी ने उतनी मेहनत से काम नहीं किया, उसे मिले हैं 400 रुपये। जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे तो ए और बी ने पूछा कि भाई, ए और बी से बात हुई दोनों की एक दूसरे से, उन्होंने पूछा कि भाई तुझे कितने मिले। ए ने कहा 500, बी ने कहा मुझे 400। तो अब 400 रुपये और 500 में 100 रुपये डिफरेंस है, और दोनों गए भी साथ में थे, काम भी सेम सा किया, लेकिन ए ने ज्यादा मेहनत से काम किया, बी ने कम मेहनत से काम किया। तो वो जो 100 रुपये का डिफरेंस है वो बी को मोटिवेट करेगा कि मुझे भी, जब मैं भाई फैक्ट्री में सेम टाइम पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे निकल रहे हैं, उसे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो 100 रुपये उसे एक मोटिवेशन खुद से देगा कि वो और कल को आएगा तो और अच्छा अपना काम करेगा। पैसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। जो हमने उन्हें काम दिया गया है, जो स्टैंडर्ड फिक्स करा है, उस स्टैंडर्ड के दौरान ही हम उसे काम को, उसके एफिशिएंट इनएफिशिएंट को हम जांच सकते हैं। कहते हैं जैसे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, तो जो एफिशिएंट वर्कर है वो भी इनएफिशिएंट को देख के अपनी एफिशिएंसी को खो देगा। सपोज करो ए और बी दो वर्कर हैं, वही दोनों ने, एक काम करता है बड़ी मेहनत से, बी काम नहीं करता, बी आधे घंटे में गायब रहता है, कभी खाना खाता है, कभी बात करता है, लेकिन इतने मेहनत से काम नहीं किया, और दोनों को सेम तनख्वाह दे दूँ ना, तो कल को बी भी ए भी ये सोचेगा कि यार काम मैं कर रहा हूँ और तनख्वाह दोनों को सेम मिल रही है, तो फिर काम करने का फायदा है क्या, मैं भी कल से काम नहीं करूंगा। तो वेज में डिफरेंस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो उस काम को और बेटर करने की कोशिश करेगा। ही वॉन्ट टू रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर।
So he introduced differential rate of wage payment for those who performing above standard and for those who perform below standard. जो अबव स्टैंडर्ड से काम करता है उन्हें ज्यादा पेमेंट मिलती है, जो बिलो स्टैंडर्ड काम करता है उन्हें कम पे मिलती है, जिससे उन दोनों में डिफरेंस बना रहे और दोनों में एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस फेल कर सकें। आगे आपको एग्जांपल थ्रू बात समझ में आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का एग्जाम्पल है। इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर्स पर डे इज 10 यूनिट। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर आप अगर काम करते हो तो आपको 10 यूनिट बनानी बनानी जो स्टैंडर्ड है। अगर 10 या 10 से ऊपर बनाओगे एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड, या तो 10 स्टैंडर्ड है और मोर देन स्टैंडर्ड, ही विल गेट 50 पर यूनिट। तो आपको ₹50 पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे। मतलब अगर आपने 10 यूनिट बनाई तो आपको ₹500 मिलेंगे, एक यूनिट के ₹50 है ना, और 11 बनाओगे तो ₹550 मिलेंगे। लेकिन एंड दोज बिलो विल गेट 40 पर आवर, 40 पर यूनिट। और अगर किसी ने 10 से भी कम बनाई, 9 बनाई, 8 बनाई, 7 बनाई, तो उन्हें ₹40 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। मतलब मैंने एक फैक्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 यूनिट का स्टैंडर्ड है, 10 तक बनाओगे ₹50 पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे, 10 से एक भी कम बनाई तो आपको ₹40 पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि 10 यूनिट एक स्टैंडर्ड है। अब एक आगे लेते हैं, नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेक 11 यूनिट। अब एक एफिशिएंट वर्कर ने उसी 8 घंटे की शिफ्ट में 11 यूनिट बना दी, तो उसके तो ₹50 के हिसाब से ₹550 बन जाएंगे पर डे। Whereas a worker who make 9, जिसने सिर्फ 9 यूनिट बनाई है, उसे कितने मिलेंगे? 9 × 40, ₹360। दोनों सेम टाइम पे आए थे, सेम काम किया, बस एक व्यक्ति ने 11 बना दी और एक ने 9 बना दी। डिफरेंस देखे तो सिर्फ 2 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन उन 2 यूनिट के डिफरेंस की वजह से मोटा मोटा कितने रुपया फर्क आ गया? यहाँ पे ₹190 फर्क आ गया है ए में और बी में। ए ने 11 बनाई, बी ने 9 बनाई है, और इसी वजह से ए को ₹550 घर लेके जा रहा है वो, और बी लेके जा रहा है ₹360। जब दोनों से पूछा गया कि भैया काम इतने पैसे, ₹190 फर्क क्यों है, जिससे कि जो एफिशिएंट है उसने अपनी एफिशिएंसी को काम करते हुए अपनी 11 यूनिट बना दी है, ये 10 भी बना देता तब भी उसे ₹500 मिलते, लेकिन जो इनएफिशियंट है उसने सिर्फ 1 यूनिट कम बनाई है स्टैंडर्ड के रिगार्ड में। अगर वो स्टैंडर्ड भी छू लेता, सपोज करो वो 10 भी बना देता तो भी उसे ₹500 मिल जाते, लेकिन स्टैंडर्ड ना मीट करने की वजह से उसका जो पर यूनिट के कॉस्ट है वो 50 की जगह 40 हो गया। यही ₹190 उसे कल को मोटिवेट करेगा कि वो काम को और बेटर कर सके। अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ ₹190 शुड बी एनफ, वो काफी एनफ है उसे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सो टू मोटिवेट टू परफॉर्म बेटर फॉर हिज ओन एक्सपीरियंस, टेलर का खुद का एक्सपीरियंस ये है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था एक जगह, कि एक व्यक्ति था जो पहले एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक लोड कर पाता था आयरन पिक से, वही का आदमी सेम दिन के अंदर अपनी 4 ट्रक लोड कर देता था। ये एग्जाम्पल वही है। फॉर हिज ओन एक्सपीरियंस टेलर गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द वर्कर नेम स्मिथ हु वॉज एबल टू अर्न 60% मोर वेजेस फ्रॉम $1.15 टू $1.85। जो व्यक्ति पहले एक दिन में $1.15 कमाता था, वही व्यक्ति अब $1.85 कमाता है एक दिन में। कैसे? ऑन इंक्रीजिंग आयरन पिक्स लोडिंग फ्रॉम 12 टन पर मैन पर डे टू 47 टन पर मैन पर डे इन कार बॉक्स। मतलब जो व्यक्ति पहले 12.5 टन लोड कर देता था, वही व्यक्ति अब अपनी एफिशिएंसी को 3 गुना 4 गुना बढ़ा चुका है, वो 47 टन लोड कर देता था। कैसे? इसी एक स्टडी से, कि अगर आप अच्छा काम करोगे, स्टैंडर्ड मीट करोगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप स्टैंडर्ड भी नहीं मीट करोगे तो आपको वेज रेट आपका कम हो जाएगा। ये कुछ स्टडी है जो टेलर ने एक्चुअल में यूज की है, और उसके जो रिजल्ट थे वो रिमार्केबल थे, बहुत अच्छे रिजल्ट टेलर को मिले इन स्टडीज से। ये एक डिफरेंशियल पीस है, तो इस तरह के काम टेलर ने किए हुए हैं। स्टडी तो खत्म हो गई है, ये बच्चे कोई स्टडी नहीं है, ये तो मेंटल रेवोल्यूशन है, एक एक टर्म है जिसे आप समझ लो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज मीन बाय मेंटल रेवोल्यूशन, ये स्टडी नहीं है, ये डिफरेंशियल पीस वेट के अंदर एक पॉइंट है। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट टूवर्ड वन अदर फ्रॉम कंपेरिजन कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। मतलब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है वर्कर और मैनेजमेंट का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति चेंज करना, जिससे वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करें, वो कोऑपरेट करें एक दूसरे को। बोथ शुड रियलाइज, दोनों को पता हो दैट दे रिक्वायर्ड वन, एक दूसरे की जरूरत है। बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सरप्लस, दोनों का एम होना चाहिए साइज बढ़े सरप्लस, मतलब बिजनेस को फायदा हो ना कि हमें इंडिविजुअल को फायदा हो। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई videos.